अस्सलाम वालेकुम। आज हम दूसरे कई का दूसरा सबक परोपकार का दूसरे परिच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। इस परिच्छेद के पढ़ने से पहले हमने अगला जो परिच्छेद पढ़ा था उसमें मधुमक्खी और वर के बारे में जो बातचीत होती है उसका जवाब मधुमक्खी उसको अगले पैराग्राफ में देती है, इस परिच्छेद में देती है, जिसका आज हम आगे हम उसको पढ़ेंगे। मधुमक्खी ने उत्तर दिया, कहा कि तुम सच कह रहे हो, तुम रंग बिरंगी हो, सुंदर खूबसूरत, लेकिन कोई भी प्राणी रंग रूप या सुंदरता के लिए नहीं पहचाना जाता, चाहा जाता। तुम मेरी तरह उड़ती भी हो, खूबसूरत भी हो, लेकिन रंग रूप के जरिए से या खूबसूरती की वजह से कोई किसी को नहीं चाहता। अगर कोई किसी का आदर करता है तो वह उसके अच्छे गुणों की वजह से उसका आदर सम्मान करता है और उसी को उसके गुणों की वजह से, अच्छे गुणों की वजह से उसे समाज में, दुनिया में इज्जत मिलती है। ऐसा मधुमक्खी ने वर मक्खी को उत्तर दिया। मधुमक्खी वर मक्खी से कहती है कि मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते जो परोपकारी होते हैं और जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। मधुमक्खी बरमक्खी को कहती है कि तुम सुंदर हो, मनुष्य को डंक मारती हो, उन्हें तकलीफ देती हो, तुम्हारे डंक की वजह से उनको सूझ आ जाती है, और मैं मनुष्य को शहद देती हूँ, मीठा शहद, मीठा मधु देती हूँ, जिसकी वजह से वो मुझे पालते हैं, अपने करीब रखते हैं और वो तुम्हें दूर भगा देते हैं। ऐसा मधुमक्खी वरमक्खी को कहती है और वो बताती, उसका बताने का मकसद ये होता है कि हम लोगों पर परोपकार करें और हमें लोगों से ये ना उम्मीद रखें कि भाई वो जो तो हमारे साथ में क्या सलूक करते हैं, पर हमारा काम है लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाना, उन पर एहसान करना, उनकी मदद करना, ये ना कि किसी को बिला वजह तकलीफ देना, तकलीफ कष्ट पहुंचाना, ये हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हम जो समाज में रहते हैं, हम यहाँ दुनिया में आए हैं, हमने हमसे लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। यही बात वो बरमक्खी को मधुमक्खी समझाने का प्रयास करती है और वो किसी हद तक जो है तो अपने काम में कामयाब हो जाती है। परोपकार इस लघु कथा के माध्यम से हमें सीख मिलती है कि इसमें मुख्य पात्र दो है, मधुमक्खी और वर। मधुमक्खी और वर के बारे में ये बात बताई गई है कि समाज में जो भी आदर सम्मान पाता है वो रूप रंग के रंग की वजह से नहीं पाता है, बल्कि वह अच्छे अपने गुणों की वजह से समाज में इज्जत पाता है। बुरे वक्त में लोगों के काम आना, उनकी मदद करना, ऐसे लोगों की समाज में इज्जत होती है, और जो दूसरों को तकलीफ पहुँचाते हैं लोग उनको पसंद नहीं करते। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जो समाज में रहते हैं हमारा धर्म ये होना चाहिए कि अच्छे गुणों से रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, यही सच्ची मानवता है। यही सीख हमें इस सबक से मिलती है।